एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इससे पैसा कैसे कमाएं? क्या आपको पता है कि आप अपने एक व्यवसाय को इंटरनेट की सहायता से जोड़कर उसे साइड इनकम के तौर पर इतनी अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं जितनी आय किसी दूसरे व्यवसाय को शुरू करके भी नहीं कमाई जा सकती। आज हम बात करेंगे कैसे आप स्वयं को पसंद आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताकर अच्छी गुणवत्ता वाले सामानों के प्रचार के साथ साथ अपना एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस भी चला सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेट की सहायता से किसी सामान की ऑनलाइन बिक्री करने की एक रणनीति होती है जो कि वर्तमान में किसी एक व्यक्ति के पास उपलब्ध उस सामान के रिकमेंडेशन के तौर पर भी देखी जाती है। उदाहरण के रूप में देखिए कि यदि कोई व्यक्ति सोनी का हेडफोन इस्तेमाल कर रहा है और उसे वो हेडफोन अच्छे लगते हैं तो वो ई कॉमर्स कंपनीज पर की जाने वाली एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़कर उस प्रोडक्ट के लिंक दूसरे लोगों को भेज सकता है और उस लिंक पर क्लिक करके उन सोनी के हेडफोन को खरीदने पर ग्राहकों को तो वो उतने ही रेट में मिलेगा परंतु लिंक शेयर करने वाले व्यक्ति को 10-15% कमीशन के रूप में मिलता है। कैसे काम करता है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम? इस तरह के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपको मुख्यतः 5 साधारण स्टेप्स को समझना होगा। सबसे पहले एक एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढें और उसे ज्वाइन करें। साथ ही ध्यान रखें कि किस प्रकार के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं या फिर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे संबंधित प्रोडक्ट कौन सा है। उस प्रोडक्ट के लिए और बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी अलग अलग यूनिक एफिलिएट लिंक बनाएं। इन लिंक को कॉपी करके अपने ब्लॉग या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा अपनी वेबसाइट पर डालकर लोगों तक पहुँचाएं। अब यदि लोगों के द्वारा वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो आपको मिलने वाले कमीशन को एफिलिएट प्रोग्राम पोर्टल की सहायता से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल में मिलने वाला कमीशन 5% से लेकर 50% तक के बीच में होता है। 50% कमीशन के बारे में सोचकर ही आपको लग रहा होगा कि क्या ये सच है या फिर नहीं। चलिए आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। यदि आपके लिंक की सहायता से कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का सामान खरीदता है तो कमीशन के तौर पर आपको 5,000 रुपए तक भी मिल सकता है। अलग अलग वेबसाइट पर एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन में अंतर होता है। वर्तमान में लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न के द्वारा 15-20% तक कमीशन दिया जाता है। क्या है एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के फायदे? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी शुरुआत करना काफी आसान है। साथ ही इस प्रकार के प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अपने सफल ब्लॉग की सहायता से ही एक अच्छी साइट इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंडियन ब्लॉगर अमित अग्रवाल ने बताया कि एफिलिएट आय लगभग 5 गुना तक होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं यदि वो गूगल एडसेंस से एक महीने में $1,000 की राशि कमाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग की सहायता से आसानी से $5,000 तक की राशि कमा सकते हैं। कैसे करें अपने एफिलिएट प्रोडक्ट का मार्केटिंग? जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने अधिक ऑर्डर आपके लिंक की सहायता से किए जाएंगे आपको मुनाफा उतना होगा, इसलिए आपको इस लिंक को अच्छी तरीके से प्रमोट करना होगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए आप पहले से लोकप्रिय चल रहे अपने किसी ब्लॉग पर लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित सोशल मीडिया पर एक पेज बनाना होगा और उस पेज का प्रमोशन करके उसे बड़ा बनाना होगा तथा वहाँ पर उस प्रोडक्ट से संबंधित रोचक और सही जानकारी डालकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना होगा। एक बार आपके पेज पर अधिक लोगों तक पहुंच बन गई तो आप आसानी से उसी प्रोडक्ट से संबंधित एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम शुरू कर पाएंगे। एक्सपर्ट लोगों से अवश्य ले सलाह। एफिलिएट मार्केटिंग के क्षेत्र में पहले से सक्रिय लोगों से उनकी सफलता के राज जानने के साथ ही आप कुछ दिन तक उनके साथ काम करके इस पूरे मॉडल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वर्तमान में कई बड़े हिंदी ब्लॉगर महीने का 1-2-3 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग की सहायता से आसानी से कमा लेते हैं। साथ ही सीनियर प्लेयर की सहायता से आप लिंक प्रमोशन की अलग अलग ट्रिक भी जान सकते हैं। अपने यूजर्स को दें सही जानकारी। यदि आप अपने ब्लॉग पर किसी प्रोडक्ट के लिंक शेयर करते हैं और उस ब्लॉग पर आने वाले यूजर्स को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो ऐसी बातों के पीछे हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका यूनिक कंटेंट खोजने वाला यूजर बार बार आपकी वेबसाइट पर आता है तो हो सकता है कि वो वेबसाइट पर डाले गए लिंक की सहायता से कोई प्रोडक्ट खरीद ले। परंतु यदि आप अपने अधिक कमीशन के चक्कर में खराब प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर रहे हैं तो उस यूजर का भरोसा आपकी वेबसाइट और आप पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और भविष्य में कभी भी वो आपके द्वारा शेयर किए गए किसी भी प्रोडक्ट की खरीदारी नहीं करेगा। किस प्रकार के प्रोडक्ट में मिलती है अधिक कमीशन? वैसे तो इन प्रोडक्ट की लिस्ट कोई फिक्स नहीं है और वर्तमान में जिस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अधिक रहती है कंपनियां भी उसी प्रोडक्ट पर अधिक कमीशन देना पसंद करती हैं। साथ ही कई बार बड़ी कंपनियों के द्वारा यूनिक स्ट्रेटजी भी अपनाई जाती है।
जिसके तहत भी किसी एक प्रोडक्ट को अधिक प्रचलित करवाने के लिए उस पर अधिक कमीशन देने की सुविधा प्रदान की जाती है। परंतु फिर भी कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट हैं जैसे हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट, फैशन, कंप्यूटर एसेसरीज, कार एसेसरीज, बाइसिकल, बैकपैक, बोतल और प्रोटीन पाउडर। अब हम आपको बताएंगे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिसकी सहायता से एक बार एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। चुने एक यूनिक प्लेटफॉर्म। आप अपना एक यूनिक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। मुख्यतः इनमें ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इत्यादि हैं। इसके अलावा भी वर्तमान में कई सर्विस प्रदान करने वाली वेबसाइट जैसे कि गो इबीबो, टिकट एजेंट इत्यादि की सेवाओं को बिकवाने में भी यदि आप मदद करते हैं तो उसके लिए भी आपको कमीशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। निर्धारित करें अपना क्षेत्र। आप केवल उसी प्रकार के प्रोडक्ट का लिंक शेयर करें जिनके बारे में या तो आपको अच्छे से जानकारी हो या फिर जो वाकई में अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट हों। इस प्रकार के प्रोडक्ट चुनते वक्त आप अपने क्षेत्र को निर्धारित करें। यदि आप हेल्थ से संबंधित सेक्टर का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही बेचने की कोशिश करें, जैसे कि प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेकर, ग्लूकोज इत्यादि। अपनी वेबसाइट पर बढ़ाएं विजिटर्स की संख्या। केवल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने से ही आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए जिस स्थान पर आप लिंक शेयर करते हैं वहां पर आने वाले विजिटर की संख्या भी बढ़ानी होगी। यदि आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरी प्रकार की सुविधाओं का फायदा उठाते हुए विजिटर्स की संख्या बढ़ाएं। इस वजह से आपको गूगल के एड नेटवर्क एडसेंस से भी अधिक इनकम प्राप्त होगी, साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग में भी सफलता की संभावना बढ़ेगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।